जी की हाल चाल है जी, हो सुनाओ, ठीक ठाक हो जी? तो असं आए हैं जी आज लक्कड़ भरने हरदोई के पास में बाला मऊ। तो दो तीन दिन से हो गया जी मद्दा बहुत है मार्केट में, तो पीछे गाड़ी अपनी भर रही है तो मार्केट में बहुत ही मद्दा, माल ही नहीं मिल रहा था पंजाब का सीधे, तो ना फिर और कोई माल था, फिर दो दिन खड़े हो गए। फिर क्या हमने कहा चलो ये लक्कड़ भर लेते हैं सितारगंज की, तो आज फिर लक्कड़ भरने आए हैं। तो माल भी कम ही है, लक्कड़ भी कम आ रही है, तो उसने बोला था अगर कम आ रही है अभी भर जाएगी। वैसे दोनों गाड़ी अपनी आई हुई है, बाकी देखते हैं जी कब तक भरती है। अब एक जगह से आए हुए हैं भरने जहाँ पर है 50-60 क्विंटल माल, तो फिर यहाँ से भर के फिर दूसरी जगह जाएंगे, देखते हैं कहाँ भेजेगा दूसरी जगह। तो करवाते हैं लोडिंग और ये गाड़ी लोड, इतना माल पड़ा यहाँ पर, देखते कब तक होती है लोड। ये माल भी काफ़ी पतला है, हाइट जाएगी ऊपर, कम ही हाइट करवाएंगे क्योंकि पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। फिर देखते हैं थ्योरी लोड। तरपाल अपनी सूख रही है, इधर ओस पड़ी हुई थी, थोड़ा धूप में रख दिया से सुखवा रहे हैं। डंडे ज़्यादा हाइट नहीं कराएंगे, इतनी हाइट ही कराएंगे क्योंकि पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। और हाइट को वैसे तो 12 फीट के नीचे नीचे होती है, पर पुलिस वाले लकड़ी वाली गाड़ी को ज़्यादा पड़ते हैं, दिक्कत बहुत है, इसलिए हाइट कमी कराएंगे, ऊपर से डालेंगे फिर तरपाल, नहीं तो तरपाल डालेंगे। बाकी देखते हैं कितनी हाइट होती है, यहाँ से फिर भर के और कहीं जाते हैं। गाड़ी हो रही है लोड अपनी, तो आए थे मैं चाय पी के आते हैं, सुबह से चाय नहीं पी थी, ट्रेलर के पास में है एक चाय वाले अंकल जी, वहाँ आए जी चाय पीने, तो चाय पी के फिर जाते हैं गाड़ी के पास। जब तक एक दंग लग जाएगी फिर पूरी गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी, देखते हैं जी चाय पीने। ये ट्रेलर है जी इधर जहाँ अपने कांटा हो गया है, इधर कांटा कराया सभी, चाय पी के जाते हैं यहाँ से। आ गए जी दूसरी जगह गाड़ी लोड करने, तो 150 लग गई, यानी कम से कम 90 क्विंटल माल आ गया गाड़ी में। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी माल है काफ़ी, यहाँ से देखते हैं भर के कितनी भरती है, अगर और जगह जाएंगे तो फिर पूरी देखते हैं कहाँ पर होती है। ज़्यादा माल भी लेंगे 20-200 क्विंटल ही लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा करेंगे तो हाइट ज़्यादा होएगी, तो पुलिस वाले परेशान करते हैं हाइट वाली गाड़ी। ठीक है जी करवाते हैं लोडिंग, लेबर वाले भी रोटी खा रहे हैं तो अपने भी खाते हैं कुछ, देखते हैं जा रहे जी दूसरी गाड़ा लोड करने। एक चली बजी है, अब देखते हैं कौन सी जगह जाते हैं जी, दूसरे टाल पर जाएंगे। यहाँ पर यहीं पर है ना, और ये दूसरी जगह तीसरी से अब आ गए जी चौथी जगह आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पर माल है कि नहीं। पहले कांटा तो आ रही जी कांटा, देखते हैं कितना कम रह रहा जी, रह गई जी एक छली, तो आ गए जी आप चौथी जगह आ गए जी लोड करने, जहाँ से हो जाएगी अपनी गाड़ी कंप्लीट। तो देखते हैं कितनी जगह पीछे करने लेवर वाले लोड, पल्लेदार तो लोड करवा के फिर करते हैं रस्सा, तो फिर डालेंगे ऊपर से तरपाल, वहीं भैया वाली गाड़ी जहाँ रोड हो रही वहाँ भी ले आके फिर तरपाल डालेंगे ऊपर। टोरंटो करा के जा रही भूसा, बस रह गई थोड़ी जी, हाइट भी ठीक ठाक ही करवाई, ज़्यादा नहीं हाइट करवाई, तो करवाई करवा के करते रस्सा तरपाल। ये हो रही लकड़ी लोड ये वाली, बस लगे लास्ट चली लगा रहे हैं जी, तरपाल भैया वाली गाड़ी है जी अपने में भी डाल ली है, तो वह पीछे बांध रहे भैया, तो तरपाल जरूरी है। आ गया पीछे ओके, अपने में भी डाल दिया जी, बाकी नीचे दिखाते हैं
दिखाता हूँ आपको, रोड का काम हो रहा है। वो भी जी रेडी तिरपाल, हाइट काफ़ी लग रही है वैसे, तो तिरपाल डाल दी ऊपर से, नीचे हमारी लर है नहीं बीच में, तो वहाँ से थोड़ा दिख रहा है। तिरपाल बड़ी चाहिए उधर भैया वाली गाड़ी, बाकी देखते हैं कागज कब तक मिलते हैं, तो निकलते हैं जी। बाकी आगे भी कह रहे रोड बंद करा हुआ है, बाकी देखते हैं कहाँ तक निकलते हैं कहाँ तक जाते हैं। भैया जी थोड़ा नाश्ता करने, सटेंगा ले लाने तुम दो, सटेंगा हमारे यहाँ टिक्की खाते हैं जी, सुबह से कुछ आया नहीं है, दो ले ला स्टेंगल, 40 रुपये कैशबैक पेटीएम करके देखो। यहाँ जी हरदोई, हरदोई से मिल रहे थे कागज, और कागज दे गया भाई, तो निकल रहे हैं जी हरदोई से, देखते हैं। वो भी बता रहा था कागज वाला भी आगे रोड बंद करा हुआ सुजानपुर से, पता लगा है सुजानपुर जाके बंद है कि नहीं, कि चलते हैं सुजानपुर तक, नहीं तो रोकेंगे फिर क्या करना है जी। कावड़ यात्रा चल रही है शिवरात्रि, इसकी वजह से रोड बंद करे हुए 18 तारीख तक, अभी देखते हैं जो जाके पता लगेगा। बहरमपुर वाले रोड से भी बंद करा हुआ, बेलग्राम वाली तरफ से हरदोई वाला रोड, इधर से देखते हैं जी। मोड़ पर भी काफ़ी जाम लगता है जी, लखनऊ चुंगी वाला मोड़, जहाँ से निकल गए फिर आगे तो फोर लाइन ही है सुजानपुर तक, बढ़िया रोड है सर। नकाले टुक टुक वाले भाई, हो गई जी फोर लाइन, सारी फोर लाइन ही है सुजानपुर से, सुजानपुर से बरेली, बरेली से पीलीभीत, पीलीभीत से जाएंगे सितारगंज। ढाबे से कड़ी जगह चना ला दी, लाल मिर्च वाह भाई होंगी यार, चना ला दे एक, लाल ला दे ना ही हरी मिर्च यार, लाल मिर्च ना भाई। फरीदपुर रोड बंद है कि नहीं, तक तो सही हाल है, अगर पता लगेगा बरेली तो क्यों पीड़ी भी तो सतारगंज बना मतलब बंद कर देना है, उल्टे काम कर दे 15 तरीक 18 तरीक तक इतने भाएं बंद रहना, मौका कर देना काम मेरा। ढाबे से लगे रोटी खान, चंडीगढ़ भी नहीं बंद किया, धामपुर तक नहीं उत्थे बंद करते होंगे बार्डर तो, यूपी जाए कि उल्टा काम करते इन्ना भी छोटा इन्ना थोड़ा यार, इतने तक तो उधर ट्रैफिक घट जाती बहुत। रोटी खा ली, खाना खा लिया जी, देखते कह रहे बरेली से आगे बंद करा हुआ, देखते अपने उत्तराखंड बार्डर पर जाना, जो हुआ खुला तो फिर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर रुकेंगे रेस्ट करेंगे, तो चाय पी ली निकलते हैं जी, देखते हैं फिर कहाँ तक निकला जाता, कहते तो कह तो रहे अभी खुला है 5 बजे तक सुबह, 12 से 5, बाकी जाके पता लगेगा जी। ठीक है जी, ओके, दिखाते हैं यहाँ तक खुला है जब बंद है।